मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद आज लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी की बैठक बुला ली है। इस बैठक में आरजेडी के विधायक, विधान पार्षद और कई बड़े कार्यकर्ता मौजूद हैं। आरजेडी दफ्तर में ये बैठक चल रही है, जहां पर जगदानंद सिंह बैठक में बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता आभार यात्रा की शुरुआत करेंगे। 10 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक तेजस्वी यादव दौरे पर रहेंगे, जहां पर बिहार के कई सारे जिले में तेजस्वी यादव ठहर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में क्या होगी, तेजस्वी यादव का ये जो कार्यकर्ता आभार यात्रा है, इस यात्रा के पीछे का क्या मकसद है और कार्यकर्ता इस दौरान क्या करेंगे, इस बात की पूरी जानकारी जगदानंद सिंह ने, यानी कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने, तमाम कार्यकर्ताओं, विधायक और विधान पार्षद को दी है। 9 पॉइंट में बताया गया है कि तेजस्वी जब कार्यकर्ता आभार यात्रा करेंगे तो इस यात्रा में क्या होने वाला है और इस यात्रा के दौरान आरजेडी नेताओं की क्या भूमिका होगी। 9 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट यह है कि इस यात्रा में भीड़ इकट्ठा मत कीजिएगा। कोई भी नेता आम लोगों को नहीं बुलाएगा, क्योंकि ये कोई जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ताओं के लिए दौरा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव प्रखंड से लेकर के विधानसभा तक हर छोटे बड़े कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इसकी रणनीति तैयार करेंगे। नेताओं से फीडबैक लेंगे और उसी फीडबैक के आधार पर उस विशेष जगह कैसे संगठन मजबूत होगा, संगठन का विस्तार होगा, आम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया जाएगा, ये सब कैसे होगा, यही रणनीति तेजस्वी यादव तैयार करेंगे और इसी रणनीति को तैयार करने के लिए कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। कार्यकर्ताओं की लिस्ट 2 दिन पहले ही दे दी जाएगी, 2 दिन पहले ही बता दिया जाएगा कौन कौन से लोग आ रहे हैं। उस लिस्ट के बाद कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए, यानी कि लिस्ट में जिस व्यक्ति का नाम है वही लोग आए, उसके अलावा तेजस्वी यादव सर्किट हाउस में बाकी आम लोगों से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी वहां की प्रमुख परेशानी पर भी बातचीत करेंगे नेताओं से। इस दौरे में होर्डिंग ना लगाया जाए, पूरे तामझाम चीजें ना की जाए, इस बात की हिदायत दे दी गई है कि आप लोग ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे, गेट नहीं बनाएंगे, स्वागत के लिए कुछ ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे। जब ये मीटिंग हो रही होगी उस दौरान कोई भाषण नहीं देगा, आपको जो प्रमुख बात रखनी है वो बात आप रखिएगा, संगठन से जुड़ी बात रखनी है, संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए ये तमाम बातें रखनी है, लेकिन कोई भाषण नहीं देगा, ये तमाम बातें कही गई है। इसके अलावा हरे गमछे पर भी रोक लगा दिया गया है, हरा गमछा जो आरजेडी का प्रतीक है उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया, कहा गया है कि आप हरे गमछे के साथ नहीं आइएगा, इसकी जगह आप हरी पट्टी का इस्तेमाल कीजिए, टोपी का इस्तेमाल कीजिए, बैज का इस्तेमाल कीजिए, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। कोई भी कार्यकर्ता हरी गमछी में नहीं दिखाई देगा, ये हिदायत दी गई है। इसके अलावा 10 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है, 10 से लेकर के 17 तारीख तक ये पहले फेज का, यानी कि पहले चरण का यात्रा होगा। तेजस्वी जब ये यात्रा कर रहे होंगे तो इस दौरान आम लोगों को इससे दूर रखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता आए, पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, पार्टी से जुड़े जितने लोग हैं वो लोग आएंगे और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए ये रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि 15 अगस्त से ही हम इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन तेजस्वी 10 सितंबर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इससे पहले, यानी कि आज आरजेडी दफ्तर में तमाम कार्यकर्ताओं को, विधायक को, विधान पार्षदों को बुला लिया गया है और बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में जगदानंद सिंह पॉइंट वार तरीके से बता रहे हैं नेताओं को कि आपको क्या करना है। तेजस्वी जब इस यात्रा के दौरान हर जगह घूमेंगे तो इसमें कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका होगी। तेजस्वी यादव ने यात्रा शुरुआत करने से पहले अपने लोगों को ये हिदायत दे दी है, 10 से लेकर के 17 सितंबर तक, यानी कुछ कुल 8 दिनों का ये पहले फेज का यात्रा है, जहां पर तेजस्वी यादव अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए बड़ी पहल कर रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।